हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार, मैं आपको फिज़िक्स पढ़ा रहा हूँ। और आपने, जैसे हमें मालूम है, वेब स्टडी पॉइंट चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे आपको वीडियो मिल चुकी होंगी। ठीक है, अगर नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लो। और फिर हमने अभी तक पढ़ा है, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं विद्युत आवेशता क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और इसमें हम आगे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है विद्युत आवेशों के गुण, बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसमें हम करते हैं विद्युत आवेशों, विद्युत आवेशों के निम्नलिखित निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला गुण क्या होता है? आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। अट्रैक्शन, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। रिपल्सन, ठीक है दोस्तों। अब इसके बारे में लिखते हैं। सजातीय आवेशों सजातीय आवेशों आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल होता है, जिससे दोनों आवेश जिससे दोनों आवेश एक दूसरे से दूर जाते हैं, जबकि विजातीय आवेशों के बीच विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल होता है, जिससे दोनों आवेश एक दूसरे की ओर आते हैं। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके समझ में आ गया होगा। पहला गुण क्या है? आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। सजातीय आवेश वे होते हैं, जैसे प्लस प्लस, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये सजातीय आवेश हैं, मतलब एक एक समान। ठीक है, और हमारे ये एक यहाँ पर आया विजातीय आवेश। तो विजातीय में क्या है? भिन्न भिन्न, ये पॉजिटिव है, एक एक नेगेटिव है। ठीक है, तो आपके बात समझ में आ गई होगी, सजातीय आवेश और विजातीय आवेश। जो हमारा सजातीय आवेश होता, वो हमारा प्रतिकर्षण बल के बीच में होता, और जो हमारा विजातीय आवेश होता है, वो हमारा आकर्षण बल के बीच में होता है, लगता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करना है? अब आपको ये करना है, इसे नोट कर लो फिर, ताकि हम दूसरा लिख सकें। एक यहाँ पे गुण पूरा हो चुका है हमारा, फिर इसके बाद दूसरा गुण आता है। तो आपको करना क्या है, इसे इसे नोट कर लो, फिर दूसरा करते हैं। ठीक है, हमने अभी गुण गुण पहला कर लिया इसका, अब आते हैं दूसरे गुण पे। तो दूसरे गुण में क्या है? दूसरा गुण है आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन। छोटा आया, दिख नहीं रहा, कंजर्वेशन ऑफ
चार्ज, ठीक है। अब इसमें करते हैं, आवेश, आवेश के संरक्षण नियम के अनुसार अनुसार आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। बस आवेश को एक वस्तु से आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। आवेश के संरक्षण नियम के अनुसार आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। अतः आवेश विलगित निकाय आइसोलेटेड सिस्टम में स्थिर रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यह हमारा दूसरा गुण हुआ। इसमें क्या हुआ, आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेश के संरक्षण के नियम के अनुसार आवेश न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। बस अतः आवेश विलगित निकाय होता है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम में स्थिर रहता है। ठीक है, आपकी समझ में आ गया होगा, ये इसके दो गुण होते हैं। और अब हम क्या करेंगे, जो हमारा आवेश का संरक्षण है, मतलब कैसा है, आवेश उत्पन्न नहीं किया जा सकता ना ही नष्ट किया जा सकता, उसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर उत्पन्न किया स्थानांतरित किया सकता है बस। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल के माध्यम से जो हमारा आवेश का संरक्षण है इसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, आपको अभी तक क्या करना है इसे नोट कर लो, फिर इसका एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, अभी हमने विद्युत आवेश के गुण पढ़े। ठीक है, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल के बारे में पढ़ा, आवेश के संरक्षण के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब हम आवेश संरक्षण का एग्जाम्पल देखते हैं। आवेश संरक्षण मतलब जो हमारा आवेश है उसे मतलब कैसे उत्पन्न होता है, कैसे नष्ट होता। ठीक है, तो हमारा एग्जाम्पल है, जब किसी दो वस्तुओं जैसे कांच की छड़, एक हमारी कांच की छड़ है तथा रेशम को परस्पर रगड़ा जाता है तो एक वस्तु धनावेश तथा एक वस्तु ऋणावेश हो जाती है। मैंने आपको पीछे बताया, जब हमने वहाँ पे एक कांच की छड़ रगड़ी थी रेशम से, तो वहाँ पे क्या हुआ था, जो कांच की छड़ है वो धनावेश हो जाती है और जो हमारा रेशम है वो उस पर ऋणावेश होता है। ठीक है, वही बात यहाँ पर है, जब इन दोनों छड़ों को रगड़ा जाता है तो वस्तु धनावेश तथा एक वस्तु ऋणावेश हो जाती है। एक वस्तु कांच की छड़ है जो पहली वाली है, एक वस्तु से जितने इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, दूसरी वस्तु रेशम है दूसरी वस्तु को ठीक उतने ही इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है। मतलब हमारी कोई भी वस्तु है पॉजिटिव जब होगी, जब उससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बाहर, ठीक है, तो उससे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, हमारे ये वाली वस्तु इससे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, जब भी तो इस पर हानि हो रही है इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है, तो हमारी इलेक्ट्रॉन की हानि जब भी तो हो रही है जब से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे कांच की छड़ से जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं जब भी तो धनावेश होगी ये, तो हमारे जो ये कांच की छड़ है, कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन की हानि होती है
दूसरी वस्तु रेशम को ठीक उतने ही इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है। कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं और इस पर इलेक्ट्रॉन कमी होती है, और जो दूसरी वस्तु है उस पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं, उस पर क्या होती है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, ठीक है, उसे इलेक्ट्रॉनों का लाभ हो रहा है, मतलब उसे उस पर रेशम पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी जिससे वह ऋणांशित हो जाता है, ठीक है। अतः कांच की छड़ पर जितना धनावेश उत्पन्न होता है, ये धनावेश कहाँ से उत्पन्न हुआ है, ये जो हमारी कांच की छड़ है उससे हमारे इलेक्ट्रॉन निकले हैं, इलेक्ट्रॉन निकलने पर वो धनावेश हो गई है। अतः कांच की छड़ पर जितना धनावेश उत्पन्न होता है ठीक उतना ही ऋणावेश रेशम पर उत्पन्न होता है। बात समझ में आ गई होगी, जितना कांच की छड़ पर जो धनावेश उत्पन्न होगा उतना ही रेशम पर ऋणावेश उत्पन्न होगा। अतः स्पष्ट है कि इस प्रक्रिया से स्पष्ट है कि न तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बस जो हमारा आवेश है आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है या भेजा जा सकता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उसे उत्पन्न किया जा सकता है, बस आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर मतलब भेजा जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इसे नोट कर लो, फिर उसके बाद में जो इसके बाकी गुण बचे हुए हैं उन आगे करते हैं, ठीक है। हमने दो विद्युत आवेश के गुण कर लिए हैं और उसके बाद तीसरा आता है आवेश पर वेग का प्रभाव, ठीक है। दो हमारे गुण हो चुके हैं, दो के बाद तीसरा गुण आएगा आवेश पर वेग का प्रभाव, मतलब जो हमारा चार्ज है उस पर जो वेलोसिटी है वो मतलब कैसे इफेक्ट डालता, इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑन चार्ज, ठीक है। किसी वस्तु पर आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता, मतलब वस्तु पर जो आवेश होता है वो वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता, ठीक है, कि वस्तु कितने मीटर प्रति सेकंड से दौड़ रही है या फिर विरामस्था में है, तो इस बात पर जो हमारा वस्तु का चार्ज है वो डिपेंड नहीं करता, ठीक है। अतः कोई वस्तु स्थिर हो अथवा तीव्र हो, तीव्र वेग से गतिमान है, उसका आवेश समान रहता है, ठीक है। वस्तु पर जो आवेश हमारा है, वस्तु पर आवेश, वस्तु गतिमान है भ्रमावस्था में है, उस पर मतलब अब इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, वस्तु का आवेश, वस्तु पर आवेश जो होता है जो उसके वेग पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। अब आते हैं चौथा गुण विद्युत आवेशों का, आवेश का क्वांटीकरण, मतलब जो आवेश हमारा कैसे बढ़ता है, ठीक है, क्वांटाइजेशन कैसा होता है इसका, आवेश का क्वांटीकरण क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश का एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होता है जिसे मूल आवेश फंडामेंटल चार्ज कहते हैं, इसे स्मॉल ई से प्रेषित करते हैं, ठीक है। ये हमारा है स्मॉल ई, ठीक है, स्मॉल ई से प्रेषित करते हैं। आवेश का यह गुण आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है, ठीक है। अब करना क्या है, आप इसे नोट कर लो और फिर इसमें दो लाइन और है तो आपको, आप इसे नोट कर लो पहले, ठीक है। अभी हमने आवेश का क्वांटीकरण करा, उसके बाद आता है अतः किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश क्यों, कैपिटल क्यों है, कैपिटल क्यों इजकल टू प्लस माइनस एन ई, यहाँ पे जहाँ पे लिखेंगे जहाँ एन बराबर 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, और हमारा स्मॉल ई का मान होता है 1.6 इंटू 10^2 की पावर माइनस का 19 कूलाम, ठीक है। यहाँ पे समझ में आया, किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश, हमारी कोई वस्तु है वो आवेशित है, उस पर जो आवेश है वो होता हमारा क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई, ठीक है, जहाँ पर स्मॉल एन है इसका मान है 1, 2, 3 और ये हमारा वस्तु का आवेश है, एन है ये क्वांटाइजेशन फैक्टर है एन ई, तो ई का मान होता 1.6 इंटू 10^-19 कूलाम, ठीक है। तो ठीक है, अभी हमने विद्युत आवेश के गुण पढ़े, तो उन्होंने हमने क्या देखा, एक फॉर्मूला आया था क्यू बराबर एन ई, ठीक है, या फिर हम इसे ऐसे लिखते हैं क्यू बराबर एन ई,
ठीक है। हम क्या करेंगे, जो हमारा ये वाला फॉर्मूला है इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे इसके आधार पर, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल है पहला, तो पहला न्यूमेरिकल हमारा एक चालक पर, एक चालक पर 8.0 गुणा 10^7 गुलाम गुलाम ऋणावेश ऋणावेश है। इस पर सामान्य अवस्था से, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम है, ठीक है। तो हमें क्या दिखाना है इसमें, एक चालक पर आवेश कितना है 8.0 × 10^7 कूलम, और जो हमारा आवेश है वो ऋणांशित है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं या कम हैं, ये हमें दिखाना है, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर। अब हमें करना क्या है इसमें, ये हमारा दिया हुआ है कूलाम, तो कूलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का। आवेश को हम दिखाते हैं आवेश, तो आवेश हमें दिया हुआ है आवेश बराबर, आवेश को हम दिखाते हैं क्यू से, ठीक है। तो आवेश क्यू बराबर यहाँ पर दिया हुआ है 8.0 × 10^7 कूलाम सी, तो ठीक है मैं सॉल्व लिख देता हूँ कूलाम से, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा हुआ है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जो पूछा, इलेक्ट्रॉन ये एन का मान पूछ लिया, स्मॉल एन का मान, ठीक है। तो इसका मान स्मॉल एन का मान पूछ लिया, हमें फॉर्मूला बताया क्यू बराबर होता है एन ई, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, ये जो मान है हमारे, ये हमें वैल्यू दी हुई है, वैल्यू इसमें पुट कर देंगे हम, ठीक है। क्यू का मान हमें दिया हुआ है 8.0 × 10^7 इजकल टू एन, एन का मान हमें निकालना है, और हमें हम ई बराबर, हम जानते हैं ई बराबर होता है 1.6 × 10^19 कूलाम, ठीक है। तो इस वाले मान को हम यहाँ पर देंगे, ठीक है। अब हमें क्योंकि एन का मान निकालना है, ऐसे एन का मान निकालना है, तो हम करेंगे ऐसे एन बराबर 8.0 × 10^7 बटे 1.6 × 10^19, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कर लो, पॉइंट से पॉइंट काटो, और 16 × 5 = 80, 16 × 5 = 80, क्योंकि 16 से ये 80 कटेगा। हमने पॉइंट से पॉइंट पहले काट दिया, तो यहाँ 5 आ गया, तो हम इसे यहाँ से आगे लिखेंगे 5 × ये 10^7 है, और प्लस ये यहाँ पे माइनस की 19 है, तो ऊपर जाके प्लस की हो जाएंगी, ठीक है। तो आ गया एन का मान क्या आ गया, 5 × 10^-12 पॉजिटिव आ जाएंगे 12, तो ये क्या जाएगा अधिकता, तो अधिकता आ जाएगी इलेक्ट्रॉनों की। तो इतने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, एन बराबर 5 × 10^12 है अधिकता है इतने इलेक्ट्रॉनों की, ठीक है। ये हमारा एक न्यूमेरिकल हुआ, इसे अपने नोटबुक में मतलब करना है, ऐसे करो। हमने अभी थोड़ी देर पहले एक न्यूमेरिकल देखा, उसके बाद हम दूसरा करते हैं। इस वाले में क्या, क्वेश्चन नंबर 2 में, धातु के एक टुकड़े पर +1 nC आवेश स्थापित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन धातु के टुकड़े से स्थानांतरित करने होंगे, ठीक है। तो इसमें हमें दिया है धातु के टुकड़े पर जो आवेश है, धातु के एक टुकड़े पर इतना आवेश है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन इसका यहाँ पे आएगा, धातु के टुकड़े पर आवेश, हमें पता है पहले से ही आवेश आवेश होता हमारा क्यों, स्मॉल क्यों बराबर, यहाँ पे कितना दिया हुआ प्लस का 1 nC, परंतु हम जानते हैं चूंकि एक
एक नैनो कूलाम बराबर होता है 10^-9 कूलाम। ठीक है, तो एक नैनो कूलाम बराबर होता है 10^-9 कूलाम। अब हमें करना क्या है, हमारा ये आवेश हो गया 10^-9 कूलाम, हमें क्यू का मान पता चल गया। अब हमें करना क्या है, कूलाम आवेश स्थापित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन धातु के टुकड़े से स्थानांतरित करने होंगे। तो हमें यहाँ पे जो हमारे इलेक्ट्रॉन है जो स्थानांतरित करने हैं इलेक्ट्रॉन, हमें एन का मान भी ज्ञात करना है। ठीक है जी, हमें एन की वैल्यू पता है, हमने पीछे वाले क्वेश्चन में बात करी 1.6 × 10^-19 कूलाम। ठीक है जी, अब आगे से सोल्व करते हैं। फॉर्मूला होता है हमारा क्यू बराबर एनी, इसमें पुट कर दो इन वैल्यू को। तो हमारा कुल आवेश हमारा कूलाम कितना है, क्यू का मान 9 आ जाएगा, एन का मान हमें ज्ञात करना, ई का मान हमें पता होता है 1.6 × 10^-19। ठीक है, हमें एन का मान निकालना है, एन बराबर आ जाएगा 10^9 1.6 × 10^-19। ठीक है, ये आ गया, यहाँ से कर देता हूँ उसे। तो एन बराबर क्या आएगा, जब हम इस वाले पॉइंट को उठाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक जीरो बढ़ जाएगी ऊपर। जब हम इस वाले 1.6 के पॉइंट को उठाएंगे यहाँ से तो ऊपर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, मतलब एक जीरो बढ़ जाएगी। अब जीरो तो वन के आगे बढ़ेगी, अगर हम यहाँ पे जीरो लगा देंगे उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, वो तो पूरे को जीरो कर देगा। तो हमें वन के आगे जीरो लगानी पड़ेगी, इसका मतलब ये है पॉइंट का। ठीक है, तो अब कितना आ जाता है यहाँ पर, 10 × 10^-9 / 16 × 10^-19। ठीक है, इतना आ गया। अभी सोल्व करते हैं, 2×16 2×5 10। ठीक है, तो ये आ जाता है अब 5/8, 5/8 × 10^-9 है। अभी ये नीचे माइनस में 19 है तो ऊपर जाकर प्लस हो जाएंगी। ठीक है, अब हमें करना क्या है यहाँ पे, जब हम 5 में हम 8 का डिवाइड करेंगे तो 5 में तो 8 का भाग जाता नहीं, हम पॉइंट में जीरो बढ़ाएंगे तो कितना होता है, 8×48, 8×48 2 आ जाएगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे, 8×16, 8×16 हो जाएगा, 4 आ जाएगा जीरो, तो 8×5 40। ठीक है, तो इसका मान आ जाता है 0.625 × 10। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो एन का मान कितना आ गया, इतने इलेक्ट्रॉन आ गया, या फिर और से ठीक से लिखना चाहें तो यह आ जाएगा 6.2 × 9 इलेक्ट्रॉन, इतने ये हमारा एन का मान आ जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल आपके समझ में आए होंगे। ठीक है, अब मैं आपको करने के लिए दूंगा 3 न्यूमेरिकल, वो आपको अपने नोटबुक में करने हैं। ठीक है, इन्हें इतने नोट करो। ठीक है, अभी मैंने आपको न्यूमेरिकल बताए तो आपके समझ में आ गए होंगे। अब आगे करना क्या है, जो न्यूमेरिकल मैंने कराया उसी के आधार पर मैंने 3 न्यूमेरिकल दिए हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं और सोल्व भी करने हैं। ठीक है, उसके बाद मुझे आप करके दिखाएंगे उन्हें न्यूमेरिकलों को। तो न्यूमेरिकल 1, न्यूमेरिकल 2 और न्यूमेरिकल 3, तो ये आपको करने हैं अपनी नोटबुक में। ठीक है, अब आज यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।